पैसा तेरा बाप देगा क्या रे हाँ? देख अगर बाकी का पैसा नहीं मिला ना खुदा कसम टांग तोड़ के रख दूंगा समझा चल ध्यान में रखना बराबर कहां से आते हैं यार धंधे के टाइम पे पनौती तेरी तो चले और पुलिस से बच के रहना समझा चल फट चलो भाई चलो चलो ओ बड्डे क्या रे पकड़ में गए चल 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 हट
तबियत तेरी तो छोड़ मेरा सारा बड्डा कहीं का इकारी तो अरे हाथ छोड़ याद रखना मैं बात क्या हो रहा है यहाँ अबे तेरी तेरी तो यशवंत लोहार जी कहाँ है वो लाल डब्बे में है अच्छा ठीक है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट इट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड रागिनी व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ सो गई क्या व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ सेल सोना नहीं डिस्क्राइब द सेल डैम इट Describe the cell. Robert Hooke, in the year 1665, observed a section of the cork under the microscope. Okay. And found its structure resembling a honeycomb. मर गई 8 घंटे के लिए. बैठो सामान कर अपना ख्याल रखना हाँ मेरी फिक्र मत करो वो नाटो ट्रीटी की डेट याद रखना शिमला एग्रीमेंट के डिटेल्स सब रूरल डेवलपमेंट एजुकेशन पॉलिसी जस्ट डोंट फंबल जस्ट यू आर गोइंग टू गेट थ्रू नो प्रॉब्लम आंखों में आंखें डालकर बात करना डरना नहीं ओके ठीक है मैं समझ गई आंखों में आंखें डालकर बात करना क्या
किया मैंने? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया तो इतना मारा, कुछ करोगे तो कितना मारूंगा साला, स्टेशन पे धांधल नहीं मांगता। यार अपन लावारिश है ना, इसके लिए अपने पे कोई भी रोक जमाता है। अपन का माँ बाप नहीं है ना इसके। क्या लावारिश, लावारिश मैं भी हूँ समझाना। स्टेशन पर पत्ते पीसते नहीं बैठा, इंस्पेक्टर बना, सस्पेंडेड है लेकिन इंस्पेक्टर है। वो गई ना, वो मेरी बीबी आईएएस के एग्जाम को गई है, वो भी लावारिश है। लावारिश होना कोई गुनाह नहीं है, बदकिस्मती जरूर है। उसे ताकत बना, डोल मत पीटो, लावारिस है। ए दोस्त आ गया क्या? कितना रहा देता तेरा? चल नीचे उतर। अरे यार अगले सिग्नल पर छोड़ देना, ये तेरा नाटक हर रोज नहीं चलेगा, समझा ना? चलेगा चलेगा, चल चलेगा। बाप का राज है तेरा? नहीं नहीं तेरा राज। तू बोलता है तू पुलिस वाला है, तो तेरी वर्दी किधर है? अच्छा सच सच बता, तू हवलदार है कि इंस्पेक्टर? ए चल उधर। अरे काय को भाव खाता है यार, उतरता है ना, उतरता है उधर। बकवास साला। क्या बच्चे के माफिक रुटता है? क्यों पवार साहब, चाय लेंगे? ए चाय वाले नहीं, कैसे हो? ठीक हूँ, मजे में हूँ। साहब आप फिर से कब रिपोर्ट होंगे? ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला? आप ऊपर वाले पे कब से भरोसा करने लगे? वो ऊपर वाला नहीं, ये दूसरे माले पर मेरे सर पर बैठा है वो। उनको मालूम नहीं, सर हिला दूंगा तो उनका क्या होगा? साहब आपसे जिसने पंगा लिया ना वो नंगा हो गया। घर में सब ठीक? हाँ, बैठो। सर आधी पगार से कब तक चलाएंगे? सर मैं भी अपने बेटे को अकेडमी भेजूंगा और आप जैसा अफसर बनाऊंगा। लीजिए सर। सस्पेंड हो जाएगा, उसके आधी पगार तुम्हारे सपने तोड़ देगी, बुढ़ापे में मारे जाओगे, सोच लो। सोच लिया सर। अरे तू यहाँ सफारी पहन के क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब इडियट, इंतजार कर रहा हूँ तेरा, तुझे कहाँ कहाँ ढूंढा मैंने, तू है कहाँ? हाँ फिर पता चला आज पगार का दिन है, सोचा होगा थोड़ा सामान झटक लूंगा। कितना बेशरम वकील है तू। क्या देख क्या रहा है? तू है ना बिल्ली है बिल्ली, तुझे ख्वाब में छीछड़े नजर आते हैं। ओ भैया जी आ, दो गोले। अच्छा सर, तू मुझे पैसे देगा? तू दे सकता है मुझे पैसे? कैन यू अफोर्ड? अरे काय के पैसे, काय के पैसे? एक तो मेरा केस दो, ऊपर से पैसे दो, तेरी औकात क्या है? मेरी वजह से चार लोग जानते हैं तेरे को कोर्ट में। अरे तू कितना बोलता है, कितना बोलता है तू? हाँ कितनी बोलते हो तू? हाँ अब जरा सीरियसली काम की बात सुन। बस तेरी केस तेरे फेवर में हो गई है। तेरे को कैसे मालूम? है मेरे सोर्सेस हैं, तेरे घर गया तो पता चला कि तू यहाँ पर है। अब कोई नाटक नहीं करना, जरा भी गड़बड़ की तो तू फिर तकलीफ में आ जाएगा। उन लोगों को भी तो मौका चाहिए तुझे प्रोवोक करने का। वो प्रोवोक करेंगे ना तो मैं उनकी फिर बाढ़ में गई नौकरी। तू भी गया बाहर में, अपने बारे में ही सोचता है। एक और गोला खा ले, जरा शांत हो जा, शांत, समझा? शाम को घर पे आना, तेरी भाभी ने खेकड़े बनाए तेरी पसंद के, साथ में मिलकर खाएंगे। बेवड़ा भी पिला। पिलाऊंगा मेरे बाप, बेवड़ा भी पिलाऊंगा। वो क्या कहते हैं, अंधे के साथ दोस्ती करो, दोस्ती करो तो उसे घर तक पहुंचाना पड़ता है। सिगरेट दे। अब सिगरेट भी पिलाऊं? तू मेरा कितना माल खाएगा फोकट में? अरे क्रिमिनल का तो नहीं खाता ना? क्रिमिनल लॉयर का तो खाता है ना? अरे एक बर्फ का गोला क्या खिला दिया, पूरा हिमालय मुंह में डाल दिया। ए कितने पैसे हो गए? ए रहने दे रहने दे, आधी पगार वाले रहने दे। ये लो भैया जी। राम राम साहब। राम राम। कितना हुआ? अभी बताता हूँ। 970 रुपए। एक एनवलप देना। हाँ जी। बाकी के जमा कर देना। अच्छा साहब। नमस्कार। नमस्ते। क्यों शकू, तेरा दाना पानी उड़ गया यहाँ से? ये ले, ज्यादा नहीं लेकिन पसीने के है, दहेज तो नहीं लिया। ससुराल में अगर कोई परेशानी हो तो बोल देना। चल चलता हूँ। साहब ठंडा तो पी के जाइए। नहीं शुक्रिया। राम राम साहब। सुखराम। कहा कितने हुए? अरे साहब यहाँ कहाँ, यहाँ वहाँ देना तो है ना। 500। ये लो कल से आधा लीटर। जी साहब।
नमस्ते जी। आज के दिन तो कम से कम ये पीना। माँ कैसी है? What is reproduction? Reproduction is living organism, unlike non-living organism, are universally recognized by their capacity to multiply their own types. That's good. Shot, Yeshwant. Yeshwant, ये तुम्हारे लिए है। क्या? लक्ष्मी? कागज की लक्ष्मी? मैं क्या करूँ इसका? कुछ नहीं। यही तो वो चाहते हैं। कुछ ना करने का मेहनताना है ये। ले लो। किसने भेजा है? नारकोटिक्स लॉबी ने। ये वो लोग हैं जो रास्ता चलते किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर उन्हें कोई छेड़े तो उसे छोड़ते भी नहीं। रख लो, हमें भी तो नौकरी करनी है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। ये कोठी की कमाई जाके अपने बीवी को देना, प्रसाद चढ़ाएगी, भगवान खुश हो जाएगा। क्या बोला? फिर कहूं? बाहर के लोगों से अगर दुश्मनी लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर अपनों से दुश्मनी लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। जाओ जाओ, उखाड़ना है उखाड़ लो, जाओ। रागिनी, अंदर मत आओ, जूते उतारो। रागिनी, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ। क्यों करती हो? ऐसे आदमी से क्यों प्यार करती हो जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता? अच्छा घर, अच्छा खाना, कपड़े, गहने, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। फिर लोग मुझे रिश्वत देने की कोशिश क्यों करते? जूते उतारो। मुझे रिश्वत देने की कोशिश क्यों करते? क्यों अपने जैसा बिकाऊ समझते हैं मुझे? हाँ, क्यों समझते हैं मुझे बिकाऊ, बताओ? ये सब सोच के तुम बार बार अपसेट क्यों हो जाते हो? ये तो होता ही है। क्यों मेरे साथ क्यों होता है? क्या खराबी है? मेरे शक्ल में कोई खराबी है? या मेरे पसीने से बदबू आती है? वो तो आएगी। ये मेरा पसीना नहीं, ये मेरा खून है जो पानी बनकर बहता है मेरे बदन से। क्या हुआ, आज फिर कोई मिल गया? एक एक ईमानदार आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो सब तुमसे डरते हैं। तुम्हें देखकर उन्हें अपनी नीचता का एहसास होता है। तुम्हें गिराना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। वो सब सोचकर तुम अपने आप को तकलीफ क्यों देते हो? इट्स नॉट वर्थ इट। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। औरों को बदलने की कोशिश छोड़ो। मेरे बारे में कब सोचोगे? हमारे अपने घर के बारे में कब सोचोगे? हमारे होने वाले बच्चों के बारे में कब सोचोगे? हमें उन्हें वो सब कुछ देना है जो हमें नहीं मिला है ना?
तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, हो गई पूरी दुनिया तुम्हारी। नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं ही गलत बक रहा हूँ। तुम गलत नहीं हो सकते। नहीं, मैं गलत हूँ, गलत बोलता हूँ, गलत सोचता हूँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बुरा लगे तो मारो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। नमस्ते साहब। साहब, तारापुर टावर के ग्राउंड फ्लोर में पकिया, सुखिया, रंजीत, असलम छुपे हुए हैं। खबर पकी है? 100% साहब। जल्दी कीजिए, नहीं तो लोग वहां से भाग जाने वाले हैं। जाओ। सुनो, किसका खत है? चाबी का? चाबी तो मेरे साहब के पास है साहब। जा जल्दी कुछ लेके आ जा, कुछ लेके आ जा तोड़ने को। लाया साहब। ये लो, पहन लो। इसे कुछ नहीं, यहां तक बचेगा, यहां नहीं बचेगा, यहां बैठी तो गए। कौन चलेगा साथ में? हम चलेंगे साहब। मरोगे तो? तैयार हैं। तैयार है? गवर्नमेंट 25,000 रुपया देगी, मरोगे तो ड्यूटी पर। 25,000 मिलेंगे बीवी को, बच्चे भीख मांगेंगे जिंदगी भर। चलेगा? चलेगा। शाबाश शाबाश। मेरे को लुटकाएंगे, मेरी फिक्र नहीं करने की, उनको इधर या इधर मारने का, समझे? ए ला रे, जल्दी चल। सचिन कभी गावस्कर नहीं बना, गावस्कर कभी मुश्ताक अली नहीं बना। उनके हरे की अपनी पहचान है, अपनी पहचान बनाओ। वो तो सब ठीक है, मेरा बॉल दो ना अंकल। अंकल मेरा बॉल दो ना प्लीज। अंकल प्लीज बॉल दो ना, मैंने नहीं, उसने मारा। थैंक यू अंकल। इंस्पेक्टर यशवंत लोहार, हाथ ऊपर, हरकत नहीं, भूंडा लूंगा कदम। कुछ हरकत की तो बस्ट मार। स्टंप को गोली लगी तो स्टंप टूट जाएगा क्या? आदमी मर जाता है तो स्टंप क्या चीज है? आ जाता तो स्टंप गया।
टाइगर कॉलिंग कंट्रोल। हेलो, तारापुर गार्डन में बालिया असलम रंजीत सुखिया छिपे हैं, फायरिंग जारी है। जल्दी जल्दी एडिशनल फोर्स और एमिनेशन भेज दीजिए। जोशी तुम एक काम करो, तुम वहां फौरन पहुंच जाओ। वो साला पागल आदमी है, अगर उसने उन लोगों को उड़ा दिया तो हम लोग भाई को क्या जवाब देंगे? ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हेलो, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। पुलिस कंट्रोल रूम हियर, तारापुर टावर में फायरिंग चल रही है, सारी पुलिस वहां पहुंच जाए। फायरिंग क्यों बंद हो गई? पिछला दरवाजा तो कवर है, कहीं ऊपर तो नहीं चले गए? अभी जिंदा है, उसने देख लिया ना तो अपने को उड़ा डालेगा, इससे पहले अपन उसको उड़ा डालेगा। हाँ उड़ा दे। देखो मेरा हाथ छूट जाएगा, मुझे बचा लो प्लीज, बचा लो बेटे, मैं सरेंडर कर देता हूँ। देखो देखो मैं नीचे ले जाऊंगा। जिंदा रहकर क्या करेगा भड़वे, फिर मेरे लोगों को मारेगा? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं मारूंगा। फिर किसी की इज्जत लूटेगा? नहीं। फिर चरस गांजा बेचेगा?
नहीं, मुझे बचा लो प्लीज। मैं उठा लेता तेरे को, मेरे हाथ में ताकत नहीं है, तूने गोली डाल दी उसमें, वो गोली अभी तक बाकी है अंदर। नहीं, तेरी गोली वापस ले ले। बास्टर्ड। चलिए यशवंत, इंक्वायरी के लिए तैयार हो जा। इंस्पेक्टर लोहार कौन से रूम में है? जी उस तरफ। मेरे दो हवलदार ज्यादा जख्मी हुए हैं, उनको देखो यार, इधर हाथ में लगे उनके सीने में लग गई है। देखने के लिए और भी तो डॉक्टर है ना। देखो खतरे की कोई बात नहीं है ना, उनके फैमिली को बोल दिया है। डॉक्टर कितनी देर लगा रहे हो? हो गया क्या? प्लीज हैव पेशेंस, टाके लगाने, हिलना नहीं, जस्ट रिलैक्स। अरे कितने टाके लगा रहे हो, पैजामा समझे हो क्या? तुम यहां क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ। वो तो हवलदार जख्मी हुए हैं, उनके घर वाले आए होंगे, उनका हौसला बढ़ाओ। जाओ दरवाजा बंद करो, कम ऑन मेक इट फास्ट। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। आपको किसने इन्फॉर्म किया? वो गरीब है लेकिन खरीदा नहीं जा सकता। कौन है वो, नाम क्या है? नहीं बताऊंगा। तो ये इंफॉर्मेशन आपको ट्रांसफर कर देनी चाहिए थी। ना ये केस आपका है, ना वो एरिया आपकी ज्यूरिसडिक्शन में आता है। वो हर एरिया मेरी ज्यूरिसडिक्शन में आता है जहां क्राइम हो रहा है। मेरे एरिया के बाहर एक गुंडा एक औरत से बलात्कार कर रहा है, तो मैं इसलिए चुप रहूं क्योंकि वो एरिया मेरा नहीं है। मिस्टर लोहार, पुलिस वालों को अगर कुछ अधिकार दिए गए हैं तो साथ में नियम के कुछ बंधन भी। तुमने उन अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है। फिर वो लोग तो सरेंडर करने वाले थे, फिर भी तुमने उन पे गोली चलाई। शूट टू किल, दैट अमाउंट्स टू मर्डर। उन गुंडों ने मेरे दो हवलदारों को मारा, वो मर्डर नहीं है। मर्डर करने वालों को मैंने मारा तो मर्डर हो गया। तुम्हारी ड्यूटी ये थी कि उन्हें पकड़कर अदालत में पेश करते, तो फिर क्या होता? फिर शुरू होती वही कहानी, कुछ जेबें खाली होती, कुछ जेबें भर जाती। दो दिन में वो जमानत पर छूट जाते, तीन महीने के बाद एफआईआर तैयार होती, फिर केस शुरू होता, चलते रहता चलते रहता। फिर इलेक्शन आ जाते, जेल का गुंडा अंदर से चुनाव लड़ता, उसके गुंडे डरे हुए लोगों को और डराकर जबरदस्ती वोट लूटते, जेल का गुंडा एमएलए बन जाता, वो खुश आप खुश। किस्सा यहीं से शुरू होता, यहीं पर खत्म। कलाबाजी की तरह आजकल एक और बाजी पाई जाती है, आदर्शबाजी, नशा है एक तरह। मिस्टर यशवंत लोहार, जब तक आप अपना रवैया नहीं बदलते, खुद को नहीं बदलते, तब तक मैं आपको न मैं बदलूंगा ना तो मेरा रवैया बदलेगा। अगर आपको बदलना है तो वह शपथ बदलिए जो कमीशन के वक्त दी जाती है। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा, भारतीय गणतंत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहूंगा, धर्म भाषा जात पात के नाम पर लोगों में वैमनस्य फैलने नहीं दूंगा। संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसका इस्तेमाल निष्पक्ष होकर ईमानदारी से करूंगा, बजाय इसके भारत मेरा देश है, बेईमानी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी भ्रष्टाचारी मेरे भाई बहन है, भारत के सभी गुंडे लुटेरे बलात्कारी हत्यारे मेरे रिश्तेदार है, उनकी सेवा उनकी समृद्धि मेरा परम धर्म है, जिंदगी भर मैं उनके प्रति निष्ठावान रहूंगा। इट शुड बी लाइक लाइक दिस, यू नो, इट शुड बी लाइक दिस, डोंट यू थिंक? मिस्टर यशवंत लोहार, यू आर सस्पेंडेड टिल फर्दर नोटिस। यश, ये इंक्वायरी कमीशन भी कुछ अहमियत रखता है? हाँ, इंक्वायरी कमीशन काहे का, सीधा कह देते तुम्हारी जरूरत नहीं है, योर सर्विस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये नाटक की क्या जरूरत थी? तुझे ह्यूमिलिएट करना चाहते होंगे वो, अंदर से तोड़ना चाहते होंगे, और हो सकता है वो ये भी उम्मीद रखते हो कि घबरा कर बंदा अपनी तरफ आ जाए। अरे उनको जो कोशिश करनी है करने दो। और मालूम है ये सब कौन कर रहा है? एक ऐसा आदमी जो साला एसएससी तक पास नहीं हुआ, चार साल पहले वड़ा पाव का ठेला लगाता था, आज नगर सेवक बना है। देखा ना क्या सेवा की और कैसे हमारे कलीग के सामने एक हड्डी का टुकड़ा फेंका, इन्होंने अपनी वर्दी गिरवी रख दी उसके पास, और काम क्या किया, यशवंत लोहार को सस्पेंड कर दिया।
क्योंकि पावर मैच के उस पार है जहां वो बैठे हैं, जहां नहीं जहां मैं खड़ा हूं। बस मुंह उठा के कह दिया जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, अपाहिज कर दिया। भाई यही तो पावर गेम है यश, पावर इज द मेन ब्लडी थिंग। यही कहता हूं, ये पावर हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि उस पार वहां उस कुर्सी पर हम में से कोई नहीं है, हम में से कोई होना चाहिए वहां, वहां उधर बैठना चाहिए। कैसे कौन? कोई भी हो सकता है, तू हो सकता है, ये हो सकती है। पढ़ो और पढ़ो, उस कुर्सी के लायक बनो और फिर जाके फिर खेलो, हमारा आदमी होना चाहिए, फिर खेलो। इट्स अ फेयर गेम देन, इट्स अ फेयर गेम। मैं नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ोगी? पढ़ो, अगर कुछ बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। मैं बोलो, मैं नहीं पढ़ूंगी। पढ़ना पड़ेगा, क्यों नहीं पढ़ोगी? क्या किया तुमने यशवंत? आप पर कोई जानलेवा हमला करता तो आप क्या करते? कौन है ये? आप ही का कोई भड़वा होगा। बकवास मत करो, ले चलो इसे। पांडे सर, पंचनामा के लिए 5-6 आदमी लेकर आओ। यस सर। असावंत? यस सर। एम्बुलेंस भी बुला लो। ओके सर। सा काम करने को बोला वो भी नहीं जमा। अच्छा किया तुमने जो इसे कुत्ते की मौत मारा। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन नसीब के आगे किसकी चलती है। चाचा रोना भी है लेकिन जीना भी तो है आगे। अपने आप को कभी अकेला नहीं समझना। मैं हूं ना, मैं हूं। मेरा बच्चा था, मेरे वार्ड का बच्चा था, उसकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी चाचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं चाचा, एक पुलिस वाले ने ऐसा काम कर दिया। सबर करो, सबर करो। अभी उम्री क्या है तुम्हारी? सारी जिंदगी सामने पड़ी है, क्या करें? खुदा की मर्जी। बुला लिया ऊपर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन में आंसू सूख जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। अपने आप को अकेला महसूस नहीं करना।
मैं हूं ना? मैं हूं, बैठ बैठ। क्या सलीम भाई, यहां भी शुरू? क्या करे जोशी साहब, वो अपना था तो ये भी तो अपनी ही हो गए ना। अपनी चीजों की हिफाजत तो खुद को ही करनी पड़ती है ना जोशी साहब। वेल, आपको क्या लगता है, जो आपने किया वो सही किया? जी हाँ। मिसेज लोहार, आपको क्या लगता है कि 1972 में अपने पड़ोसी देश के साथ जो शिमला समझौता हुआ था, उसका आज भी कोई महत्व है? बहुत महत्व है सर, बल्कि उसी समझौते के आधार पर दोनों देशों के बीच संबंध सुधर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ कमी रह गई? यहाँ भी और वहाँ भी, दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में ये भूल गए हैं कि उनके इस रवैये से पूरे दक्षिण एशियाई रीजन को कितना नुकसान पहुंच रहा है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगी कि दोनों को अगर खुद को तबाही से बचाना है तो शिमला समझौते का पालन करना ही पड़ेगा। विमेंस लिबरेशन के बारे में क्या सोचती हैं आप? इम्पोर्टेड विमेंस लिबरेशन हमारे यहाँ नहीं चल सकता। मिसेज लोहारा प्लेन से आई थी कि ट्रेन से? ट्रेन से। जिस ट्रेन से आप आई थी उसका बोगी नंबर क्या था? S27943। अगर मैं आपको प्रपोज करूं कि आज रात आप मेरे साथ कहीं डिनर पर चलें, तो आपके हस्बैंड को बुरा तो नहीं लगेगा? दामाद आपका है, बुरा लगने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता। क्या नंबर बताया था आपने बोगी का? S27945। अभी तो आपने 7943 कहा था। ऐसे स्टूपिड सवालों का ऐसे ही जवाब दिया जाता है। गुड। रागिनी कब तक आएगी? आएगी एक दो दिन में। दुख होगा उसे बहुत? हाँ, दुख तो तब होता जब बेवा हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है? अब तुझे भी मेरी बातें बकवास लगने लगी? निकल यहां से, क्यों आया है? तेरी बकवास सुनने, कल तू रिजॉइन होने वाला था, रीइंस्टेटमेंट का लेटर भी मिलने वाला था, ऊपर से नया लफड़ा लेकर बैठ गया। अरे और कितने साल फोकट में मैं तेरे केसेस लड़ता रहूं? हाँ, वो मेरी मुझे मार देता तो तू छूट जाता, तो उसे गिरफ्तार करके अंदर डाल देता। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे खत्म कर देता। सब साजिश है, पूरा फोर्स करप्ट है साला। हाँ, हाउ कैन यू से दैट, फोर्स में तो तू भी है ना। हाँ, देख रहा है ना उसके साथ क्या हो रहा है, साले तेल लगा के मार रहे हैं। यश, ये उनके सर्वाइवल का सवाल है। एक हवलदार जिसकी तीन जवान बेटियां होती है शादी के लायक, 1800 रुपए में क्या कर सकता है? क्राइम को रोकने के लिए उसके हाथ में क्या थमाते हैं, एक डंडा AK-47 का, वो सामना कैसे करेगा? सुबह जब वो ड्यूटी पर निकलता है घर से तो उसे यकीन नहीं होता कि शाम को वापस आएगा घर पे। वो ड्यूटी पर मर गया तो क्या कॉम्पेंसेशन देते हैं उसको, उसकी फैमिली को? 20,000, 25,000, 30,000। यश, वो भी जीना चाहता है। हाँ, तो अपना घर भरने के लिए घुस खाएगा, बेईमानी करेगा, ईमान बेचेगा। साला फोर्स ज्वाइन करते हुए मालूम नहीं था कितनी तनख्वाह मिलती है। जंगल का कानून है ये, गुंडों से बचना है तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस से बचना है तो गुंडों के पास जाओ, दोनों से बचना है तो पॉलिटिशियन के पास जाओ, क्योंकि इनकी लगाम उसके हाथों में जब जैसे मौका हो वैसे हाथ हिला देता है। तूने तो तीनों से दुश्मनी मोल ले ली है, एक भी घर खुला नहीं छोड़ा है। अरे कौन से घर की बात कर रहा है तू? साले मेरे घर में मुझे मुर्दा बनाना चाहते हैं। कौन से घर की बात कर रहा है तू? गुंडों के या मेरे करप्ट कलीग्स के या ये पॉलिटिशियन के जो साले दिन दहाड़े खून पीते और डकार तक नहीं लेते? तो सरता है यहाँ पर, पैर पर कुल्हाड़ी मारकर दौड़ने के सपने देखता है। मार मार। हाँ, मैं मर जाऊंगा तो तेरा क्या जाएगा, तुझे ढोने वाला एक कंधा कम हो जाएगा और क्या होगा, लाखों मरता एक और। साला दुनियादारी के नाम पे मुझे बेईमानी सिखाता है, लॉयर बनता है, साला कानून पढ़ाए के नकल करके पास हुआ, जहां जाके पढ़ CPC सेक्शन नंबर 299 and 300, पढ़ जाके राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सेप्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 300, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा, तेरे उसूलों की नहीं जाना, नहीं तो तुझे भी मार डालूंगा। हाँ मार डाल, लेकिन पहले जाके साइन कर, टाइम नहीं है मेरे पास। यहाँ 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 नीचे इधर साइन कर, कुत्ते की दुम है तू, 100 साल नली में रहेगी फिर भी सीधी नहीं होगी। चल जा, शराब सिगरेट दे, सुधरेगा नहीं तू। हाँ, तू सुधरेगा नहीं कभी। क्या साला, इतना छोटा सा काम नहीं कर पाया तू? नोटों से तरह मुंह भरता हूं किस लिए? हो जाएगा, फिलहाल तो उसे
मर्डर के केस में अंदर किया है ना? अंदर किया ना, अंदर ही रहना चाहिए, क्या समझा? इत्मीनान रखो सलीम शेख, अब वो बाहर की हवा में कभी सांस नहीं ले पाएगा। सर क्या हुआ रे? यशवंत के लॉयर ने बेल के लिए अप्लाई किया है, लगता है उसे बेल मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ ना, मैं तेरा पेटी उतरवा देगा, याद रखना। Here are your papers, Mr. Vikram. Thank you, sir. Vikram, जैसे ही वो आदमी गिरा, इंस्पेक्टर जोशी आया, उसके पीछे पुलिस आई, मुझे लेके गई। जोशी ऊपर ही था, मैं जब गया वो आदमी जिंदा था, उसके बाद डेड डिक्लेयर किया गया। मैंने उसे नहीं मारा, ये साजिश है। अब क्या होगा? कॉम्प्लिकेशंस तो हैं, पर सजा नहीं होने दूंगा मैं। बकवास मत कर, मेहरबानी कर रहा है, सजा नहीं होने दूंगा। चलता हूं। खाना खा के जा। नहीं, वो तैयारी करनी। अच्छा भाभी, चल। क्या हुआ हा? अरे कुछ केस है ही नहीं, मैं छूट जाऊंगा। देखो अब तुम मामूली औरत नहीं हो, डेप्यूटी कलेक्टर हो, समझी? आदाब, हमारा नाम सलीम शेख है, नगर सेवक हूं। यहां जितने भी कलेक्टर आए हैं सबसे दोस्ती रही है हमारी, सोचा आपसे भी जान पहचान हो जाए। ठीक है, काम की बात कीजिए। काम की बातें तो होती रहेंगी मैडम, पहले आपसे अच्छी तरह से पहचान हो जाए तो फिर काम की बात कीजिए। अरे आप तो बुरा मान गए, चलिए काम की बात करते हैं। देखिए मैडम, मेरी एक फाइल आपके पास है, उसका नाम और नंबर है 7MVW1994। बस आप उस पर दस्तखत करके काले साहब के पास भिजवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। वो फाइल मैंने देखी है, उस साइट पर होटल बनाने की परमिशन नहीं दी जा सकती। क्यों क्यों, प्रॉब्लम क्या है? मैडम सोचिए, अगर होटल बनेगा, आप लोगों की सेवा करते रहेंगे, देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा मैडम, ड्रग्स के धंधे होंगे, स्मगलिंग का अड्डा बनेगा, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिलेगा, जुए के अड्डे चलेंगे, हजारों मछुआरों की रोजी रोटी जाएगी, टूरिज्म और फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे आप देशभक्ति साबित करोगे। सॉरी, आप यहां से जा सकते हैं। अरे मैडम, मैं जिस सेवा की बात कर रहा हूं वो तो आप भूल ही रही हैं, और ये भी भूल रही हैं कि डिप्टी कलेक्टर से कलेक्टर बनने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन अगर सही साथ हो, सही हाथ हो, तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता है। और मैडम, सही साथ और सही हाथ दोनों आपके सामने हैं, भरोसा रखिए, तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। अपने तन मन और धन का रंग कहीं और दिखाओ, ये मेरा ऑफिस है, तुम्हारा अड्डा नहीं। नाउ गेट आउट। बहक रही हैं आप, लगता है इस कुर्सी का नशा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। नाउ यू गेट आउट, वरना बाहर फेंकवा दूंगी। चाहते हैं लेकिन फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। लगता है औरत की आवाज में यशवंत बोल रहा है। क्या हुआ हा? कहां हो तुम, मेरे साथ नहीं हो? ऑफिस का पहला दिन बुरा गया, कोई रिश्वत लेके आया होगा, कोई मिनिस्टर की चिट्ठी, किसी ने गंदी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा होगा। सरकारी कचहरी में ऐसे ही होता है, लेकिन काम तो करना होगा। मेरे सर पर हाथ रखो। मेरे सर पर हाथ रखो। कहो मैं रागिनी यशवंत लोहार ईमानदारी से काम करूंगी,
रागिनी यशवंत लोहार, ईमानदारी से काम करूंगी। अपने अधिकारों का इस्तेमाल जनहित में करूंगी। अपने अधिकारों का इस्तेमाल जनहित में करूंगी। किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं होने दूंगी। किसी निर्दोष पर अन्याय नहीं होने दूंगी। गरीब और दलितों का जीवन सुधारना मेरे जीवन का मकसद होगा। गरीब और दलितों का जीवन सुधारना मेरे जीवन का मकसद होगा। कोई भी निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं लूंगी। कोई भी निर्णय किसी के दबाव में आकर नहीं लूंगी। चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। चाहे वो मेरा पति ही क्यों ना हो। योर ऑनर, इंस्पेक्टर यशवंत लोहार की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं, इनका बेकाबू गुस्सा और रिश्वत लेने की आदत, बात बात पर लोगों पर हाथ उठाना, उन्हें मारना पीटना इनकी आदत बन चुकी है। हालांकि इंस्पेक्टर लोहार हमारे पुलिस फोर्स के बहुत ही काबिल और बहादुर इंस्पेक्टर हैं, और मुझे उनसे हमदर्दी भी है योर ऑनर, बहुत हमदर्दी है। पर उस दिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा लोहार उस आदमी को बेतहाशा मार रहा था। मैंने उन्हें छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन लोहार नहीं माने और रस्सी से उसका गला घोटकर उसे मार डाला। That's all, Your Honor. Thank you, Mr. Joshi. आप अपनी जगह पे जा सकते हैं। Thank you, sir. Your Honor, तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आ रही है। मुल्जिम एक जिम्मेदार सरकारी अफसर होने के साथ साथ यहाँ के डिप्यूटी कलेक्टर मिसेज रागिनी लोहार के शौहर भी हैं। इन्होंने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि इनकी बेजा हरकतों से इनकी बीवी की रेपुटेशन को कितना धक्का पहुंच सकता है, उनके काम में कितनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं। अगर मेरी वजह से मेरे बीबी को कोई अड़चन पैदा होती है, उसकी रेपुटेशन को धक्का पहुंचता है, तो मैं अदालत के सामने अभी इसी वक्त उसे तलाक देता हूँ। मेरा जो वकील दोस्त है वो कानूनी कार्रवाई पूरी करेगा। यशवंत, यशवंत, ऐसी बेहूदा बातें कर रहे हैं ये लोग। पागल हो गया? अरे बकवास करने का वक्त नहीं है। मुझे समझाने के बजाय यशवंत बस। ऑर्डर। एक्सक्यूज मी बस, इसमें उसका क्या कसूर है? अरे उसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसके लिए परेशानी बन चुका हूं। मेरा हाल है इसका, पागल हो गया तू? हम शादी किस लिए करते हैं? एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे का सुख दुख बांटने के लिए, बस बस, या एक दूसरे पर बोझ होने के लिए। दिस इज व्हाट मैक्सिमम आई कैन डू फॉर यू, दैट्स ऑल। कूल डाउन, कूल डाउन, दैट्स ऑल। आप लोग शांत रहिए। Yes, 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 your honor. Yes, I'm sorry, I'm sorry. तू मेरी बालाइस देख, तलाक के पेपर अभी के अभी तैयार करो और मत बिगाड़ यशवंत। क्या लेकिन हा? लेकिन क्या क्या होती है शादी हा? क्या होती है शादी? ऑर्डर, ऑर्डर। क्या होती है शादी? यस, यस योर ऑनर, यस। गहने, अच्छी साड़ियां, यशवंत, ये जगह है, वो बात गाड़ी, ये बात आराम, ये मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी, मेरे बच्चे पैदा करेगी। यशवंत, दस मिनट हम बिस्तर में सोते हैं, उसके बाद 23 घंटे 50 मिनट हमें एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। और, वो कुछ ऐसा काम करे कि मुझे गर्व हो उस पर, मैं कुछ ऐसा काम करके उसे अभिमान हो मुझ पर, राइट? लेकिन उसे बड़ा बनना है, कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। 10 वर्ष की कैद में बामशक्कत की सजा देती है। वो जानती है मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, तो ले जाइए उसे। तलाक के पेपर तैयार कर, बस। ये क्या क्या दिया तुमने? मुझे छोड़ दिया, सबके सामने मुझे तलाक दे दिया, डिसोर्ड कर दिया मुझे, क्यों? मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं, ये जुदाई तो दुनिया को दिखाने के लिए है। अब ये कोई नहीं कह सकता कि मेरी हरकतों की वजह से तुम्हारी रेपुटेशन में कोई फर्क पड़ेगा। अपना काम करते रहना, उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। लड़ते रहना, ना तो मैं हारूंगा ना तो तुम हारोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये तलाक जैसी छोटी मोटी बातें हमें अलग नहीं कर सकती। जस्ट कीप ऑन फाइटिंग, कीप ऑन फाइटिंग, दैट्स ऑल। इसे कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। लंबा गया साला, अब पता चलेगा बीवी भी आपसे गई। अरे वो कहां जाएगी, यशवंत की कमी तो मुझे ही पूरी करनी पड़ेगी ना। साहब आओ, आपको इधर देखकर अपन बहुत खुश हुआ। अब हम सब एक हैं, वही रोटी, वही कपड़ा, वही मकान, अब हमारे और आप में कोई फर्क नहीं।
जिसमें ईमान है, सच्चाई है, मेरा पसीना है। और ये खून है ना, ये तुम्हारा नहीं, उन गरीबों का चूसा हुआ है, निर्दोषों का चूसा हुआ खून है ये। अपने मतलब के लिए उनका खून चूसते हो और उनके मतलब के लिए मैं तुम्हारा खून पीता हूं। ये फर्क है मुझ में और तुझ में। मौत के डर की वजह से तुम कभी चैन की नींद नहीं सो सकते, मैं आराम से सोता हूं। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां का सर झुका हुआ होता है, मेरी वजह से मेरी मां का सर अगर कहीं होगी उसको पता चलेगा, आसमान को छुएगा। यह फर्क है तुझ में और मुझ में। मुझे मालूम है मैं अंधों के शहर में आईने बेचता हूं, लेकिन एक दिन तुम्हारी आंखें खोलूंगा और उस आईने में तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाऊंगा, समझे? यह है फर्क। अरे आधा घंटा हो गया इस दफ्तर में इतना इंतजार, भूल गए क्या? अरे साहब क्या बात है मैडम, आधा घंटा हो गया आपने बुलाया नहीं। देख रहे हैं मैं इनसे बात कर रही हूँ, आप बाहर बैठे मैं बुलाती हूँ। अच्छा अच्छा, हमें लगा आप हमें भूल गए। आपको कैसे भूल सकते हैं? हाँ तो बोलो। मैडम मैं पिछले 15 साल से किराए के मकान में रहता हूँ अपने परिवार के साथ, लेकिन आज मालिक मकान घर नहीं खाली करने से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, क्योंकि उस जगह पर वो कोई कारखाना खोलना चाहता है जो गैर कानूनी है। मैंने इस बारे में कई बार अर्जी दे चुका हूँ, लेकिन आपका हेड क्लर्क 500 रुपया मांग रहा है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। 500 रुपये मांग रहा है? जी। चलो मेरे साथ। नमस्ते। नमस्ते। पापा है अंदर मीटिंग में। अरे कहाँ जा रही हैं आप मैडम, आज आपने बहुत इंतजार करवाया। देखिए मैडम, अगर आप मेरे उस फाइल पर अपने सुंदर हाथ से दस्तखत कर दे तो। बदतमीज तो तुम थे ही, मगर बेशरम उससे ज्यादा। कितनी बार कहा है कि मैं साइन नहीं करूंगी, समझ में नहीं आता? काले साहब को मैं संभाल लूंगा और आपका परसेंटेज भी। भाई साहब, ये क्या है? काले साहब ने आपके लिए भेजा है। अरे आप, तुम्हारे पापा हैं? पापा आइए ना, पापा आइए। मिसेस लोहार, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी तो आपने की है। आप बिके तो बिके, आपने मेरी भी बोली लगा दी। शर्मानी चाहिए आपको। तमीज से बात करो, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ऐसे सीनियर से तो पालतू कुत्ता अच्छा है जो भूखा मर जाता लेकिन बाहर की रोटी पे मुंह नहीं मारता। और आप एक ऐसे आदमी की उंगलियों पर नाच रहे हैं जिसे सही जगह पे अंगूठा लगाने की तमीज नहीं। Shut up, you stupid woman. मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और आप कर ही क्या सकते रिश्वतखोरी के अलावा? यही सब करना था तो क्या जरूरत थी लिखने पढ़ने की, IAS बनने की? इसलिए कि संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है उसका सौदा कर सके आप? मेरे घर में मेरी बेइज्जती कर रही हो, नतीजा अच्छा नहीं होगा। अच्छे और बुरे की तमीज है आपको? हजारों मछुआरों का घर तबाह करके आप अपना घर भरना चाहते हैं। ये कारपेट, टीवी, वीडियो, फर्नीचर, इम्पोर्टेड गाड़ियां, आप इन्हें घर कहते हैं? देखिए देखिए इन बच्चों की तरफ, घर इनसे बनता है। आपको क्या लगता है आप इन्हें सुख पहुंचा रहे हैं? क्या सोचते हैं आप इन सब चीजों के बिना ये रह नहीं सकते जो आप अपना ईमान बेचकर इकट्ठा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? इन्हें अपाहिज करके आप क्यों अपने ही बच्चों से दुश्मनी कर रहे हैं? इनसे पूछिए आप ये क्या चाहते हैं, ये बेईमानी, ऐशो आराम या एक ईमानदार बाप?
तुम लोग क्यों खड़े हो यहाँ? जाओ अंदर। पापा वो ठीक कह रही थी। क्या क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? पापा ये सब कुछ हम लोग के लिए इकट्ठा कर रहे हैं ना, हम इसके बिना जी लेंगे, मेहनत करके अपना पेट भर लेंगे। पापा पापा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि जिंदगी भर आपकी इज्जत करते रहें, कहीं आप पकड़े गए तो। नहीं पापा ये कुछ नहीं चाहिए हमें। तो क्या चाहिए तुम्हें? एक एक ईमानदार बाप। क्या? ओके सर, उस लड़की ने तो पैसा फेंक दिया। साला, 100 बीवियां सोनार की, 1 बीवी लोहार की। कभी शैतान आएंगे मेरे दरवाजे पर दस्तक देंगे, मेरे जहन की तलाशी लेंगे, फिर जल उठेंगे। उस वक्त मैं डरूंगा नहीं, अपने विश्वास को ढाल और अंदर की आग को तलवार बनाऊंगा। एक ना एक दिन तो उस आग में तुम कूदोगे ही। करो, आज मुझे बदनाम करो, नीलाम करो, नीलामी के लिए क्या है मेरे पास? बस जलते हुए आंसुओं का एहसास। मगर मगर मैं तुमसे बदला लूंगा, तुम्हारी आखिरी बोली पर मेरे 2 सांसों के बीच का ठहराव तुम्हें फोकट में दूंगा। सलाम साहब, आपसे कोई मिलने आया है। सलाम। सलाम मत मारो, लात मारो, ऐसे इधर लात मारो। कैदी हूं मैं, कैदी हूं इन मच्छरों का। मना किया था, क्यों आई? हाँ? रोने आ सुबह ने और बर्दाश्त नहीं होता, अब ये जिंदगी नहीं जी पाऊंगी मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी बनकर जीना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, ये नौकरी नहीं। कैसे लोग, कैसी बातें, कैसी नजरें कपड़ों को चीरती हुई बदन को चुभ जाती है, आंखों से होने वाले बलात्कार को हर रोज सहना पड़ता है, एक बार नहीं कई बार। ऐसा लगता है बाजार में नंगी खड़ी हूं मैं, दम घुटता है मेरा, दम घुटता है मेरा। घुटन तो उन्हें होनी चाहिए तुम्हारी वजह से, आंसू उनके आंखों में आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हारी कमजोरी है, वो लोग तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उनकी नजरें नहीं बदलेंगी। दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी पड़ी है। क्या कहा था तुम्हें? आंखों में आंखें डालकर बात करना, दिल में इतनी आग पैदा करना, क्या आंखों में उतर आए, उनकी नजरें झुक जाए, जल जाए। तुमने कसम खाई है, अगर कसम तोड़ी तो मेरा होना ना होने के बराबर है। कमजोर बीवी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारी कमजोरी उनकी जीत है। तुमको लड़ना होगा और कोई रास्ता नहीं है। उनके पास नाजायज ताकत है तो क्या, लड़ाई है, जख्म भी होंगे, दर्द भी होगा, सहना पड़ेगा। Oh,
तुमसे प्यार करता हूं। बहुत प्यार करता हूं। करता ही रहूंगा जब तक तुम लड़ती रहोगी। रागिनी यशवंत लोहार नाम है तुम्हारा। दोबारा यहां हर कराने के बजाय जहर खाकर मर जाना, यह सोचकर तसल्ली कर लूंगा कि इस नाम का बोझ उठाने के लायक तुम थी ही नहीं। Come on, get lost. Fight your own battle. Get lost. ये क्या हो गया? थारों में उतर के देख के आता हूं। तुम ही क्या बड़ी है? बैठो इधर। साले लोगों का नाटक है रोज रोज का, मरने दे। सर, वो अपना सलीम शेख है ना, उसने यशवंत लोहार की बीवी जो डेप्यूटी कलेक्टर है, सर उसने उस पर हमला करवा दिया। सर समझाओ उसे यार, पागल हो गए क्या? राजनीति में नहीं चलता ऐसा, और हिंसा की ताकत पे नहीं, वो भी महिला ऑफिसर के साथ। नहीं नहीं जी 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 वही ना सर, सारे कलेक्टरेट में इस बात की चर्चा हो रही है सर। उसके सिक्योरिटी का बंदोबस्त करवा दो। कर दिया सर, ऑफिसर भी मैंने ढूंढ लिया है सर, दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे सर। क्या नाम है बाबा? जॉन फ्रैंक। जॉन फ्रैंक कौन से कॉलेज में? डीएबी। डीएबी, बार बार आज ही इंटीमेशन कर देता हूं। ओके यस सर। ठीक है, सुनंदा। यस सर। जा खाने, नंतर बहू। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कम इन। मैडम। जॉन। हाँ। तुम यहाँ? यहाँ कैसे? कहाँ थे इतने दिन? आओ आओ बैठो। थैंक यू। आओ बैठो, कम 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 सिट। मुझे तुम्हारी आमीना आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, कुछ तहकीकात करनी है और सुरक्षा का प्रबंध भी करना है। और कॉलेज में बिल्कुल अंग्रेज थे, किसी से नहीं डरते थे सिवा हिंदी के। अब ये तुम्हारी हिंदी? ताज्जुब है, तैनात, तहकीकात, सुरक्षा। क्या करे, सरकारी नौकरी कुछ ऐसी है। अच्छा तुम, आई एम सॉरी, आओ। फॉरगेट द फॉर्मेलिटीज,
जॉन बोलो क्या लोगे? चाय? नहीं, कॉफी बगैर शक्कर की। कॉफी, दूध और शक्कर अलग से लाना, एंड बी क्विक। ओके मैडम। कितना अच्छा लग रहा तुमसे मिलकर। बिल्कुल नहीं बदले, आज भी आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकते। थोड़ी सी मूछें बढ़ा लो, असली पुलिस वाला लगोगे। क्यों? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? बस यूं ही। शादी हो गई तुम्हारी? एक टिप्पणी देनी थी। टिप्पणी? हाँ टिप्पणी। टिप्पणी? मेरा मतलब है कि रिपोजिशन। वही टिप्पणी। ये खिड़की हमेशा के लिए बंद करनी पड़ेंगी। यू मीन सील? वही बंद करनी पड़ेंगी। वही लाफिंग सो मच। हाईली प्रोफेशनल, एब्सोल्यूटली प्रोफेशनल। जॉन, तुम्हारा एक कर्जा मुझ पर हमेशा के लिए उधार रहेगा। मैं कुछ समझा नहीं। कॉलेज में मेरी एग्जाम की फीस बिन बताए तुमने भर दी थी। अगर वैसा नहीं करते तो शायद मैं वो एग्जाम नहीं दे पाती। रुपए तो आज भी मैं वापस कर सकती हूं, लेकिन वो वक्त कभी नहीं। थैंक्स। एक्चुअली आई शुडन्ट बी सेइंग थैंक्स। थैंक यू बोल के मैं तुम्हारा इंसल्ट कर रही हूं। सॉरी। जॉन, मैं कुछ नहीं भूली। भूला तो मैं भी कुछ भी नहीं रहा। नहीं। कॉफी मैडम? हाँ रखो। ये तुम्हारे हिस्से की शक्कर भी मेरे प्याले में, और ये तुम्हारी हमेशा की तरह फीकी। ये आपने क्या किया हुजूर? उस औरत को सरकारी सुरक्षा दे दी जिसने हमारी बेइज्जती की, स्टाफ के सामने थप्पड़ मारा। थप्पड़ वाली बात भूल जाओ, भूल जाओ थप्पड़ वाली बात। तुम तो गोलियां बिनते हो, मैं तो गोलियां खेलता हूँ, काय बरोबर है ना? अब यस सर। जरा सी भी अकल होती तो थप्पड़ वाली बात कभी की भूल जाते, इसी को राजनीति कहते हैं, समझे? मगर हुजूर ये तो हमारा अपोजिशन हो गया ना, अभी मैं उसका क्या कर सकता हूँ? जब आप ही ने उसको सपोर्ट दे दिया है तो। अपोजिशन को जीतना है तो पहले उनका सम्मान करो, सत्कार करो। सम्मान के तो सारे ही भूखे हैं। काय जोशी? अरे तुम्हें उसे बदला ही लेना है ना, तो उसके बहुत तरीके हैं, और ये तो औरत है। औरत की सारी जिंदगी आबरू के छाव में चलती है, उसे छीन लो, खत्म। काय जोशी? शरीर को नुकसान पहुंचाने से क्या मिलने वाला है बाबा, वो भी सुंदर शरीर को। वाह नेताजी वाह, क्या पासा फेंका है। इसीलिए तो इस कुर्सी पे बैठा हूँ। तुम चलो अभी। हाँ मगर भूल जाना मैंने तुमसे कुछ कहा। किस बारे में नेताजी? क्यों शेख साहब, इतना तामझाम किस लिए? जिसने आपको थप्पड़ मारा, जिसने मेरे घर में मुझे जलील किया, उसे आप समझे नहीं साहब। राजनीति का नियम है, अगर अपोजिशन को जीतना है उनका सत्कार करो, सम्मान करो। सम्मान का तो हर कोई भूखा होता है। ऐसे मैडम बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, आपने तो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा चेहरा ही बदल दिया। थैंक्स, मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रही हूँ। मैडम आइए ना, कुछ लीजिए ना। आप भी चलिए। थैंक यू जॉन। वहां क्या कर रहे हो? यहाँ आओ। Sorry. I'm sorry. It's okay. Hey,
फोटोग्राफ से काय पोज है। वाह 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 वाह। रागिनी यशवंत लोहार डेप्यूटी कलेक्टर। बहुत जल्दी है ना तुझे? बहुत जल्दी है। वो ऐसा है, समाज आपको नहीं आपके पद को सम्मान करता है, तो अपना क्या कर्तव्य बनता है उस पद का मान मर्यादा बनाए रखें, है कि नहीं? और आपने बॉडीगार्ड के साथ ची 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 ची, आप ऐसी हरकतें करेगी तो जनता के सामने सरकार की छवि खराब हो जाएगी। समझो मैंने आपके साथ ऐसी तस्वीर खिंचाई तो ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो समझा रहा था आपको। ऐसी स्थिति में कोई भी दूर भागना चाहेगा, समझ गए ना? चलो देखो, आपको मैं एक मौका देना चाहता था, वो मैंने दे दिया। कल कोई आपको तकलीफ हो, मेरी गरज लगी तो मेरे पास चले आना, मैं बैठा हूं ना यहाँ। अब आप जाइए। सरकारी वकील ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मक्तुल यशवंत लोहार के घर रिश्वत देने के लिए गया था, लेकिन यशवंत लोहार ने ज्यादा रकम की मांग की और इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कुछ कनासुनी हुई, हाथापाई हुई और गुस्से में आकर यशवंत लोहार ने अपने चाकू से मक्तुल का खून कर दिया। लेकिन यह अदालत तमाम गवाहों के बयान, पेश किए गए सबूत और मौकाए वारदात के हालात पर गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि यशवंत लोहार पर खून का इल्जाम साबित नहीं होता, लिहाजा यह अदालत मुलजिम यशवंत लोहार को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत बाइज्जत बरी करती है। हुजूर, वो तो छूट गया, साफ बरी हो गया, मेरी तो नींद उड़ गई हुजूर। तुम्हारी तो नींद कभी भी नहीं पूरी हो सकती है, जाओ सो जाओ। हम कानून बनाते हैं मगर कानून हाथ में नहीं ले सकते। सरकारी अदालत से तो छूटा है, हमारे देश में क्या एक ही अदालत है? और कई अदालतें बाकी हैं, क्या उसका बंदोबस्त हो जाएगा? अब आप ही का भरोसा है हुजूर, मुझे तो डर लगने लगा है, पागल आदमी हुजूर कुछ भी कर सकता है। अरे मालूम है बाबा, शतरंज खेलते हो क्या? नहीं। मैं खेलता हूँ, उसकी चाल उसे पहले चलने दो ना, अपन अपनी चाल बाद में चलेंगे। मैडम। बोलो। मैडम वो क्या था कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तुम नौकरी के अलावा कुछ और सोच नहीं सकते? ये मैडम क्या होता है, रागिनी नहीं कह सकते? मैडम वो। फिर मैडम? अच्छा बोलो क्या बात है।
खामोशियों को सुनता हूं। कैसे घिनौने लोग होते हैं जिनके दिमाग में जिस्म के सिवा और कोई बात आती ही नहीं। इनसे तो जानवर अच्छे हैं, कब समझेंगे ये लोग इस जिस्म के अंदर एक दिल भी है। मुबारक हो साहब। शुक्रिया। पहली बार मैं जब यहां आया था तूने कहा था हम दोनों में कोई फर्क नहीं, ये फर्क है। आज मुझे बाइज्जत रिहा कर दिया गया अपने औहदे के साथ, अपने सितारों के साथ। मुझे मालूम है साहब, आपके चाहने वाले बाहर आपका इंतजार कर रहे होंगे, वो आपको बाहर देखकर बहुत खुश होंगे। कहां तक मेरे साथ चलोगे? बाहर तक छोड़ देता हूं। बस तुम्हारी हद यहीं तक है, तुम अंदर का संभालो, मैं बाहर का संभाल लेता हूं, वो इलाका मेरा है। डॉक्टर यशवंत लोहार, ऑपरेशन थिएटर ले चलो। डॉक्टर मुझे इस आदमी का स्टेटमेंट लेना है। इस पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है, मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट लेने की इजाजत नहीं दे सकता। देखिए कोशिश कीजिए, इसे होश में लाइए, मुझे स्टेटमेंट लेना है। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट। ट्राई योर लेवल बेस्ट, मैं अपना नंबर छोड़कर जाता हूँ। कम ऑन, फास्ट फास्ट। हेलो डॉक्टर गोडबोले बोल रहा हूँ। हाँ बोल डॉक्टर गोडबोले। शेख साहब बच्चा तो बच गया। क्या हुआ? बच्चा बच गया? वो यशवंत को बयान देगा। अच्छा यशवंत को बयान देगा। देख लो वो छोकरा यशवंत को बयान देगा, सोच लो। हेलो यशवंत। इंतजार कर रहे थे बाहर? कौन थे? कौन थे वो लोग? कौन थे? कौन थे? क्या कर रहे हो? अरे मत मारो इसे, इसे मत मारो, मत मारो। कानून को अपने हाथ में मत लो। तुम चलो यहां से, चलो अलग क्यों किया था? अब मैं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के।
Oh God, I love you so much. क्या हुआ? क्या हुआ? Welcome home. Welcome home. वो देशमुख मास्टर की लड़की आज विधवा हो गई है। उसके पति को गुंडों ने मार दिया। उसकी छलनी हुई लाश अस्पताल में पड़ी है। क्यों मारा उसे? क्योंकि उसने उन गुंडों को देखा जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई। बस मार दिया। तुम खेलो, तुम मेरे जिस्म से खेलो, ये तुम्हारा है। मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ। और आधा घंटा तुम खेल सकती हो मुझसे। आधे घंटे के बाद मुझे वहां जाना है अस्पताल। उसकी लाश लेनी है, उसको जलाना है। खेलो, ये तुम्हारी है, सब जायदाद तुम्हारी है, खेलो। मैं समझ सकता हूं, भूख है, जिस्म की भूख है, जैसे पेट की है वैसे जिस्म की है। 6 महीना ये भूख रोकना आसान नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूं, मेरा दिमाग वहां अस्पताल में है। तू जो चाहे वो कर, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे वो नजरों के सामने वो देशमुख की विधवा लड़की का चेहरा पेट से है। वेलकम टू हेल यशवंत, आओ। थैंक यू। बैठो। थैंक यू। मैं बनाता हूं सर। इट्स ऑल राइट। ठीक से बैठो। ठीक हूं। रिलैक्स रिलैक्स, पीछे टिक के बैठो, आराम से। जिंदगी में कभी रिलैक्स भी होना चाहिए। थैंक यू। देखो यशवंत, मैं नवंबर में रिटायर हो रहा हूं, बस 6 महीने की बात है। आपको एक्सटेंशन मिल सकता है सर। नहीं, मन नहीं करता। और वैसे भी कुछ लोग मेरे रिटायर होने की राह देख रहे हैं, बल्कि ये कोशिश भी कर रहे हैं कि मुझे एक्सटेंशन ना मिले। थैंक यू। आपको हैव इट। एनीवे, मैं तुम्हें एंटी नारकोटिक सेल में भेज रहा हूं सर। डू योर बेस्ट। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सीएम तक इन्वॉल्व है। हाँ, जानता हूं। करो, एक्सपोज करो, नंगा करो उसे, देखते हैं। लेकिन याद रखना, 6 महीने के अंदर, नवंबर के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे अच्छा हुआ तू आ गया यार। क्या है? 100 रुपए दे रहा है। भीख मांगता है? भीख नहीं मांग रहा हूँ, उधार मांग रहा हूँ। क्या करेगा? खाना खाने का है बाप, कल से कुछ नहीं खाया, शपथ। क्यों, बाप नहीं खिलाता? बाप कल पगार लाया, मटके में हारा,
उधारी लेकर ब्योरा पिया, मेरी माँ को मारा, धोकर रख दिया, फिर मेरे पीछे लगा, मैं कल्टी खाकर गुल हो गया। देना यार। कहाँ है ये? किसका मटके का अड्डा है? वो शेट्टी का। क्या तू भी खेलेगा? चल चल घर जा चल। सुनिए तो साहब, चल ये मेरे पास इधर लगा चल पेस। ये क्या है साहब? क्या है मतलब क्या? पैसा है? पहचानता नहीं? पैसा है चले पेस। पहचानता तो साहब, मगर मगर क्या है? हाँ मगर क्या है? इनका खून चूसने की आदत पड़ी है ना तेरे को, और ये भी बेशरम साले पूरे दिन की कमाई तेरे कटोरे में डालते हैं। नगद में हारते हैं, उधारी में बेवड़ा पीते हैं, किसी के सामने बस न चले तो बीबी को मारते हैं, बच्चे भीख मांग रहे रस्ते पे। साला तुमसे तो वो कसाई अच्छा बकरे को हलाल करता है और खुलेआम बेचता है। चल पेस पेस, सत्ता ना मांगता है चल पेस। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है। एक तरफा जुआ ये ठीक नहीं। देख जुआ इसे बोलते हैं, ये देख जुआ इसे बोलते हैं, असली रिवॉल्वर। पांच गोलियां अंदर, एक गोली बाहर। चल लगा लगा। नहीं चला चला, सब तेरा, जीतेगा बचेगा सब तेरा। नंगा होके जाऊंगा, कपड़े उतार कर जाऊंगा। माफ कर दो साला, तेरी बारी आई तो माफ कर दो। चल मैं पहले लगाता हूँ, चल अगर बच गया ना साला सब कुछ मेरा। कहते हैं किसको बोलते हैं जुआ, किसको बोलते हैं जुआ, है ताकत भड़वे। ड्यूटी पे हूँ मैं। चल लगाने देना यार। बस अभी बहुत हो गया। आज भूली है। अरे बहुत हो गया ना। क्या तू भी गुलाल से डरता है, हर वक्त घूम मारता है। चले चले लगा लगा, उसको भी लगा। चल ना से थाने पे मैं आ रहा हूं। उसके तो साले की क्या नाम बोला रे? लोहार। जाने दो साहब, उनसे गलती हो गई, माफ कर दो साहब। माफ कर दो? साले ने मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे। कोई चिंता नहीं, उसकी तो मैं नौकरी ले लूंगा, देखो तुम। चले फोन लगा, फोन लगा। जाने दो साहब। अरे फोन लगा बोला ना, लगा फोन। अगर उन्हें मालूम होता कि आप कौन है तो ऐसा नहीं करते ना। उसकी सजा उसको मिलेगी, जरूर मिलेगी। अजीब चैप्टर है साहब, अभी अभी तो नौकरी लगी और आप पे हाथ उठाया, पड़ गई ना पेट पर लात। ये इधर कैसे बैठा? वो साहब। अरे उसको क्या पूछता है, तू इधर आ, चल इधर आ। क्या सीएम का बेटा है तो हमारे माँ बहन की इज्जत लूटेगा। बोल, देख इंस्पेक्टर आगे मत बढ़ना। क्या करेगा?
देख इंस्पेक्टर आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूँ गोली मार दूंगा तुम्हें, मैं कहता हूँ गोली मार दूंगा, देख इंस्पेक्टर आगे मत बढ़ना। ये तुम्हारी नामर्दानगी का नतीजा है। एक लौंडा आके रिवॉल्वर छीनता है, तुम देखते रहते हो। आओ इधर, आओ दुकान पे लात मारो इसके सर। आओ आओ आओ, मारो मारो, लात मारो 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 मारो, कस के मारो। क्या है सब? Have you gone mad? त्योहार के नाम पे लड़कियों से छेड़खानी कर रहा था। लेकिन उसे इतना मारने की क्या जरूरत थी? लौंडवान कर दिया उसे। नहीं, वो खून नहीं है, रंग है होली का। हाँ थोड़ी जरूर लगी है, वो तो लगनी चाहिए। मैं गाड़ी पार्क कर रहा था तो जाकर मेरी कुर्सी पर बैठा। हमारा स्टाफ उसकी खुशामद कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, फिल्मी डायलॉग्स मार रहा था। इंस्पेक्टर मैं तुम्हें देख लूंगा, सीएम का लड़का हूं मैं। सीएम का लड़का मतलब क्या है? कुछ भी करेगा, लड़कियों के स्कर्ट्स खींचेगा। देखो ये सब कुछ मैं नहीं जानता। वो लोग सोचते हैं कि मैं तुम्हें अनड्यू फेवर कर रहा हूं। वो तो आप करते हैं। व्हाई आर यू मेकिंग माय लाइफ मिजरेबल? अब उस काम का क्या होगा जो मैंने तुम्हें सौंपा था? आंखों के सामने देखा नहीं जाता सर। शट अप! कितनी बार तुमसे कहा था कि अपने गुस्से को अपनी ताकत बढ़ाओ, कमजोरी नहीं। अब जाओ, सीएम ने तुम्हें बुलाया है, जाओ। गो एंड फेस द म्यूजिक एंड लीव मी अलोन। गेट आउट। कहरे बाबा, अंदर कैसा है तू? आपने मुझे यहाँ बुलाया ये कहने के लिए कि आप मेरे काम से खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपके काम से खुश नहीं हूँ। पहले अपने घर को दुरुस्त कीजिए, बाद में प्राण का भला सोचिएगा। अपने बेटे को समझाइए, आप जनता के सेवक हैं और वो सेवक का बेटा। चुनाव के दौरान जब आपने घर घर जाकर झोली फैलाई थी, तब उन लोगों को ये नहीं मालूम था जिनको आज वो वोट दे रहे हैं उन्हीं की औलादे कल उनकी बच्चियों की इज्जत पर कीचड़ उछालेगी। ए बाबा डोका जरा शांत ठेव ना। काय कळते की नाही? जा ना बाबा याला घेऊन। बट व्हाय इज दिस मॅन एंग्री? दिस इज डेमोक्रेसी, क्या करेगा? एंग्री यंग मॅन, दिस इज डेमोक्रेसी, ये तो ऐसा ही चलेगा। चलो काम का बात करो। यशवंत, यशवंत कमिश्नर साहब अंदर मीटिंग में है। उन्होंने एक तस्वीर भेजी है। इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वो आदमी ड्रग के सिलसिले में बात करने आया है। सवेरे चला जाएगा, पकड़ा जाएगा तो अच्छा रहेगा। ये लो। हमारे विशेष संवाददाता दीपक शर्मा की एक रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत लोहार की दादागिरी अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस क्षेत्र की आम जनता इनके आतंक से तिलमिला गई है। यहां तक कि इन्होंने मुख्यमंत्री के बेटे को भी नहीं छोड़ा। होली के दिन मुख्यमंत्री का बेटा अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था। लोहार ने जानबूझ के मुख्यमंत्री के बेटे की जमकर पिटाई की और हवालात में बंद कर दिया। कल रात एक पांच सितारा होटल में लोहार ने एक सभ्य व्यक्ति की कोड़ों से पिटाई की। लोगों का कहना है कि लोहार को दूसरों को पीड़ा देने में आनंद मिलता है। ज्ञात हो कि कुछ समय पहले इंस्पेक्टर यशवंत लोहार को ऐसी हरकतों के कारण निलंबित किया गया था, फिर भी लोहार अपनी आदतों से बाज नहीं आया। अंग्रेजी में कहावत है, बकवास है, सब बकवास है। सब यशवंत के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें फिर से सस्पेंड करना चाहते हैं, साजिश है उनके खिलाफ। अगर ये साजिश होती तो सीम अपने बेटे को तो नहीं पिटवाता ना? मार उसने अपनी वजह से खाई है। शराब पीकर लड़कियों को छेड़ रहा था तो क्या करता है यशवंत? और वो ड्रग्स मंगला क्या करता? उसे भाग जाने देता? नॉर्मली तो ये होता है कि अरेस्ट किया, कोर्ट में हाजिर किया। नॉर्मली ये नहीं होता। होता ये है कि पुलिस अफसर दिखावे के लिए अरेस्ट करता है और दिखावे के लिए थोड़ा सा माल पकड़ा जाता है और फिर किसी फाइव स्टार होटल में रिश्वत की रकम तय होती है। पकड़े जाने की खबर छपती है, छूटने की नहीं। और यशवंत ऐसा नहीं है। एनीवे यू डोंट वरी अबाउट इट। आई एम सॉरी। दैट्स ऑलराइट। सामने एक बिरयानी बोल रहे। अरे और कितनी देर रुकना पड़ेगा?
क्या है? मेरा कैमरे का बैग चोरी हो गया। चोरी हो गया या किसी ने छीन लिया? नहीं नहीं, चोरी हो गया। बैठो। कहां से? मैं मोर्चा कवर कर रहा था। सुनो जी, खैबर के पास चिकने अब्दुल होगा, उसे ले आओ। जी सर। कहां काम करते हो? जर्नलिस्ट हूं। कहां काम करते हो? नवभारत टाइम्स। क्या नाम है? दीपक शर्मा। ये तुमने लिखा है? जी हां, मैंने लिखा है। पढ़ो। मैं क्या पढ़ू? मैंने तो लिखा है। जानते हो इस आदमी को मिले हो कभी? नहीं नहीं, मिला तो नहीं हूं। कौन मुसीबत मोल ले? क्यों, काय की मुसीबत? अरे मुसीबत नहीं तो क्या। सुना, ये आदमी हाथ से बात करता है, कोर्ट कानून कुछ समझता ही नहीं। अरे ये डेमोक्रेसी है, हर एक को अपना हक है, गुंडाराज थोड़ी है। किसी ने गुनाह किया हो तो पहले उसे साबित करो, कोर्ट उसे सजा देगी। ये कौन होता है मारने वाला? अब देखिए आप कितनी शराफत से पेश आ रहे हैं। ऐसे आदमी को तो डिपार्टमेंट से निकाल देना चाहिए। मैं तो इस आदमी के बारे में और लिखूंगा, और लिखूंगा। अगली बार लिखोगे तो उसकी फोटो भी छापो, लोगों को पता चले ये जल्लाद कौन है। सलाम साहब। हाँ आजा अब्दुल, आजा बैठ। ठीक है साहब। बैठ। कैसा है घर में? आपकी दुआएं साहब। ठीक जी। खाना खाया? जी जी नहीं साहब। नहीं खाया? ये ले, ये ले बिरयानी खा। चल। मैं समझा नहीं साहब। खा ले फिर समझाता हूं। साहब कौन है? अखबार में लिखता है अन्याय के खिलाफ, बहुत बड़ा साहब है। इनका कैमरा का बैग चोरी हो गया, वो मोर्चा में। बैग? वो दे दो उनको, वापस दो। मैं जानता नहीं साहब। अरे दे देना वापस। खुदा कसम मुझे मालूम नहीं। नहीं लाता हूं, लाता हूं साहब, लाता हूं, लाता हूं। ये लेके जा, उठा चल। देखा बिरयानी खिलाया, थम्स अप पिलाया, ईमान से पूछा, कुछ नहीं बताया, कान के नीचे का आवाज आई सीधा बता दिया, इसलिए मारना पड़ता है। हर एक को बिरयानी खिलाते रहूंगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। जाओ, तुम्हारा बैग मिल गया है, फोटो खींचने है तो वापस आना, मैं ही लोहार हूं, जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो। जा रहे, एक और बिरयानी बोल के आ जा। जी सर। हद से गुजर गया यशवंत। जब तक वो जिंदा है तब तक मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। जाओ, मगर ध्यान में रखना वो मरने के बाद शहीद बनकर उभरना है। आपका हुक्म तो बजाया जाएगा हुजूर, लेकिन आप अपनी ही राजनीति भूल रहे हैं, जज्बाती हो रहे हैं आप। ठीक कहा तूने, जब अपने बच्चे पर चोट लगी तो बहक गया था मैं। तस्वीरें तैयार हैं, अच्छी हैं, अब वक्त आ गया है कि दुनिया भी उन्हें देख ले। पहली बार बात समझदारी की है तूने। अरे लगती तो बड़ी शरीफ है, लेकिन आजकल किसी का भरोसा भी तो नहीं है ना। आ गई। जिंदा हूं, सोचता हूं, समझता हूं। मेरी कुछ छोटी छोटी जरूरतें हैं, डिमांड्स हैं। कोई मुझसे प्यार करे, झगड़े, लड़े, रूठे, मनाए,
कोई मेरी जरूरत हो, किसी की मैं जरूरत हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मां कौन है? मालूम नहीं। बाप कौन है? मालूम नहीं। हवलदार ने रास्ते से उठाकर यतीम खाने में क्यों छोड़ा? मालूम नहीं। घास फूस की तरह पलता रहा, घूसे लाते गालियां झूठा खाना खाकर बढ़ता रहा क्यों? मालूम नहीं। कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा मालूम नहीं। इस पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों आया मालूम नहीं। सिर्फ एक बात, हर वक्त हमेशा हर जगह एक बात मालूम थी, मेरी किसी को जरूरत नहीं है। आई एम अनवांटेड। यही देखो मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे साथी, सो कॉल्ड साथी, दे वॉन्ट टू किल मी, दे वॉन्ट टू किल मी, मारना चाहते हैं मुझे, क्योंकि मैं उनकी काली कमाई के आड़े आता हूं। मुझे गद्दार समझते हैं, उनकी स्कीम में मैं फिट नहीं होता। दैट्स वाई दे वॉन्ट टू किल मी, दैट्स वाई आई एम अनवॉन्टेड। खैर, ये लोग कौन है मेरे, ये लोग कौन है मेरे, मेरी बीवी, मेरी अपनी बीवी, वो भी एक यतीम लड़की के साथ शादी की। सोचा एक यतीम दूसरे यतीम के दुख को समझेगा। उस हवलदार ने यतीम खाने में मुझे नाम दिया था, वो नाम, उधार का नाम मैंने अपनी बीवी को दिया। नाम दिया, प्यार दिया, नाम लोहार, रागिनी यशवंत लोहार। उस उधार के नाम से अब उब गई है, किसी दूसरे नाम की तलाश में है। मैं दोनों को खत्म कर दूंगा। आई किल देम, दे डोंट डिजर्व टू लिव, यू नो आई एम गोइंग टू किल देम, बोथ ऑफ देम। खैर डॉक्टर, आपकी फीस। इस वक्त आप कहां जा रहे हैं? आपके दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं। कब ठीक थी? एक सेशन के 200, दो के 400। थैंक यू डॉक्टर। अनवांटेड हो सकता है, दोनों जवान हैं, खूबसूरत है, पुरानी जान पहचान है, शायद कोई भूली भटकी चिंगारी को फिर से हवा मिल गई हो। और फिर भूख है, तन की भूख हो या मन की भूख, तो भूख है। मैं भी तो नहीं था यहां, सो कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, जरूरतों का एडजस्टमेंट। क्या करें, अपनी अपनी जरूरतें हैं, क्या करें। बस करो, अब आधी बोतल से ज्यादा पी चुके हो तुम, ये लो। लो, थोड़ी देर मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? मैं अंदर क्या गया, अपने आपे से बाहर हो गए। गलत गलत औरत पे भरोसा किया मैंने। चिकना लौंडा क्या देखा, फिसल गई रैंडी साली। साला तेरे दिमाग में वहम बैठ गया है, शक करता है अपनी बीवी पर। अरे नासूच, अरे उस औरत ने अपनी पूरी घरेलू जिंदगी बर्बाद कर दी, कुर्बान कर दी तेरी ये शर्म की खातिर, उस पर तू शक करता है? ये शर्म कैसे, और दोबारा तेरी शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए, समझा? अरे मैं समझूंगा बड़ी मनहूस घर की, चल मैं तुझे दोस्ती की, साला लाना दे तेरी जिंदगी पर, छी तू है तेरी जात पर, तू। दरवाजा खोलो, मुझे भूख लगी। अनवांटेड। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जॉन, अपने आप को अकेला मत समझो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खींचने दो, डरते हो इनसे? कितनी तस्वीरें छापेंगे, क्या साबित करेंगे कि मैं गंदी औरत हूं? हमारे मन में तो कोई खोट नहीं है ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूं, तुम मेरे दोस्त हो, ये भी तो एक रिश्ता है। लेकिन बदनाम, बदनाम रिश्ता है ये, क्यों मालूम नहीं, लेकिन बदनाम करेंगे तो किसकी नजरों में?
दुनिया के, मैं इनसे नहीं डरती। बहुत ताकत ठूस दी है यशवंत ने मुझ में। इन्हें क्या लगता है कि मुझे उनकी नजरों से गिरा देंगे? भूल जाओ, ये उन्हें नहीं जानते। मैं जानती हूं कितना भरोसा करते हैं मुझ पर। एक्सक्यूज मी मैम, कुछ और? नो थैंक्स। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर होते हुए एक अनाथ लड़की से शादी की, उसे अपना नाम दिया। मुझे कभी एहसास तक होने नहीं दिया कि मैं अनाथ हूं। पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया, कौन करता है इतना किसी के लिए। हाँ, ये दूसरी बात है कि हम दोनों अलग अलग जरूर रहते हैं, लेकिन रिश्ता तो हमारा एक ही है। जॉन, मेरी जिंदगी एक ही लफ्ज से शुरू होती है और उसी पर खत्म। यशवंत। बाय जॉन, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहां? ताज्जुब हुआ? नहीं नहीं तो। बहुत काम है और टाइम? नहीं, वो तो ऐसे ही जरा सा। जरा नहीं, बहुत बहुत काम। ये तो साजिश है। किसके? वही जो तुम्हारे खिलाफ है, मेरे खिलाफ है। बहुत 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 बड़ी साजिश है। पहले इस भड़वे को पानी में फेंका, बाद में तेरे को उठा के उसके हाथ में रख दिया, बाद में फोटो खींची। बहुत बड़ी साजिश है। जवान हूं मैं भी, जवान हूं। हाँ, उतने जवान नहीं हूं, वो मेरे से ज्यादा है। वो जवान है इसलिए सो गई उसके साथ। रैंडी, पहली बार ऐसा लगा कि मैं सच में अनाथ हूं। नाटक ये इतना सच बोला तो कितना कड़वा लगा है? कितना देखो, आज तक जिंदगी में तूने कभी मेरी तरफ ऐसा आंख उठा के नहीं देखा। आज मेरे को ऐसा मारा। ये अभी तक अभी मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल सकता है ना, लेकिन पहले उस भड़वे को मारूंगा, फिर तुम्हारा थोपड़ा देखूंगा कैसा होता है, फिर बाद में तुमने मुझे कभी आंख उठा के नहीं देखा आज मेरे को। नहीं साड़ी मेरे लिए कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने उसके लिए। उसके लिए नहीं साड़ी। अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, सलाम मारो। Hey.
विलायती कुत्ता देसे भी भोगता है साले, हमेशा गलत आदमी पे भोगते हो तुम। कहां से मिला तेरे को फोटो? कहां से मिला बोल? कहां से मिला? किसके कहने से छापा तुमने? बोल फोटो कहां से मिला तेरे को? बोल किसने छापा? किसने बोला? नाम बोल। मैंने किया, इंस्पेक्टर जोशी ने किया। जोशी पागल हो गए क्या? यशवंत चले जाओ यहां से। यशवंत मेरे बीवी के साथ पासपोर्ट साइज फोटो भी नहीं है। तूने उस बड़वे के साथ वो पानी में ऐसे वो कैसे? हमेशा ये इंपोर्टेड पिता है, अपने नसीब में देसी ठर्रा भी नहीं है। वो कभी कभार अपना दोस्त है ना लॉयर, वो पिलाता। आज उसने बगैर खाना खिलाया घर से बाहर निकाला या इसे मारा। इंपोर्टेड सब सब इंपोर्टेड। तेरे घर में कोई देसी चीज नहीं है? है नमस्ते भाभी। नर्स मैं यशवंत लोहार, उम्र अगली सांस तक। पेशा पुलिस, धर्म पुलिस, कर्म पुलिस, माँ बाप का पता नहीं। शकल ऐसी है कि गुंडा पुलिस वाला समझता है पुलिस गुंडा समझता है। देखिए पागल हो गया, इससे बात मत करो, तुम चले जाओ अंदर। पागल इसने बनाया और इसे तुमने पागल बनाया। तुमने मांगा होगा ये लो वो लो, तुम्हारी मांगे बढ़ती गई होंगी और ये घुस खाता रहा होगा। नहीं नहीं, मैंने तो सिर्फ औलाद मांगी थी। हेलो जोशी साहब है उधर? हाँ सलीम शेख साहब निकल चुके हैं। कन्फेस करना चाहता हूं, आई एम अ सिनर, पाप किया है मैंने। कॉलेज के दिनों में मैं एक लड़की से प्यार करता था, एक तरफा प्यार। उसे मेरे प्यार के बारे में खबर नहीं थी। परसों बाद मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन उसके प्यार को भुला नहीं सका। हमसे नफा था, एक शादीशुदा औरत के लिए मेरी नजर में खोट आए, एक ऐसी औरत के लिए जो अपने पति से जी जान से प्यार करती है। शी इज अ पायस वुमन फादर, आई एम अ सिनर। मैं उसका गुनेगार, उसके पति का गुनेगार,
और मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए, और उन दोनों को जिंदगी के सारे सुख। आई एम अशेम्ड फादर, प्लीज प्रे फॉर मी, प्लीज प्रे फॉर देम। ये तुम्हारी जगह नहीं है बेटे, तुम्हें तो कन्फेशन बॉक्स में होना चाहिए माय सन। रागिनी मैं हूं, रागिनी मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, तुम यहां आ सकती हो, तुम बोल नहीं रही हो, मैं समझ सकता हूं, तुम यहां आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। रागिनी मुझे माफ कर दो, कल मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, वो तस्वीर देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। सच तो यह है कि मैं डर गया था, मैं तुम्हारे सिवा जी नहीं सकूंगा, मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच नहीं सकता अगर तुम ना हो तो। तुम्हारे यहां आने से पहले मैं विक्रम के पास गया था, मैं शराब पिया, उसने भी मुझे मारकर घर से निकाल दिया। रागिनी तुम चली जाओगी तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, मैं इस दुनिया से लड़ नहीं पाऊंगा, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। मैं जी नहीं पाऊंगा। क्यों झूठ बोल रहे हो हा? तुम एक खुदगर्ज इंसान हो, इंसान नहीं शैतान हो। क्यों रहूं मैं तुम्हारे पास, कैसे रहूं? तुम्हारी शक्ल देखती हूं तो वो गाली मेरे कानों में गूंजती रहती है। दफना दिया है तुमने मुझे कल, अब माफी मांगने से मैं वापस नहीं आऊंगी, बस ये जिंदा लाश है। अब मैं नहीं, ऐसे मत कहो, ऐसे मत कहो, मैं तुम्हें दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा, बस एक बार मुझे, सिर्फ एक बार मुझे। अरे यश तूने पढ़ा, तेरे बारे में कमाल का न्यूज आया है, हेडलाइंस में, तू हेडलाइंस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अरे बहुत, आई एम वेरी वेरी, क्या हुआ हा? अरे तेरा चेहरा क्यों है ऐसा पिचके हुए पपैये की तरह? अरे सचमुच तूने हंगामा खड़ा कर दिया है, ये देख, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, ये देख, सुपर कॉप यशवंत लोहार के कारण राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफा, मुख्यमंत्री के नारकोटिक्स लॉबी के साथ संबंध, यशवंत लोहार ने इन संबंधों का पर्दाफाश कर दिया। कल प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र देशमुख को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, उन पर लगे आरोपों की न्यायिक जांच होगी। पुलिस कमिश्नर को केंद्र से इस आशय के आदेश मिले हैं कि वे स्थानीय पुलिस तंत्र में फेर बदल करके पुलिस की बिगड़ी हुई छवि को सुधारें। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही भ्रष्ट पुलिस अफसरों को निलंबित किया जाएगा, और उन्होंने इंस्पेक्टर यशवंत लोहार का नाम उनके अतुल साहस और ईमानदारी के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए प्रस्तावित किया है। ज्ञात हो कि पिछले कुछ वर्षों से महानगर के सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं उच्च अधिकारियों तथा असामाजिक तत्वों के बीच अनैतिक संबंधों का भांडा फोड़ने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। इस अभियान के दौरान उन्हें महान संकटों से गुजरना पड़ा, अपने ही विभाग के भ्रष्ट उच्च अधिकारियों का कोप भाजन बनना पड़ा। इस सिलसिले में उन्हें कई बार निलंबित किया गया, फिर भी वो अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, उनका नाम राष्ट्रपति पदक के लिए प्रस्तावित किया गया है। तू रो क्यों रहा है? अरे ये कमाल क्या है तूने, कमाल यश, ये लेके मैं क्या करूं, वो मुझे छोड़कर चली गई, मैंने बुलाया था वो आई नहीं। कौन कौन नहीं आई? रागिनी। वो अभी तुझे क्यों चाहिए? अरे वो तो रंडी है ना। वेड़ा है, वेड़ा मैड। अरे तू कहाँ था?
मिठाई खिला मिठाई। अरे ये क्या थोबड़ा लंबा, आंखें लाल, कल रात को ज्यादा पी ली क्या? अरे असो ये देखो अखबार में फोटो छपी है, अब तुम्हें वर्दी मिलेगी इंस्पेक्टर वाली। कहाँ चला? बीवी के ऑफिस में। वो भी काम करती है, एक पगार से काम नहीं चलता। हफ्ता नहीं खाता तू, चल तेरी बीवी से मिलते, चल चल। रागिनी रागिनी गाड़ी रोको, रागिनी मुझे बात करनी है तुमसे, रागिनी गाड़ी रोको, रागिनी मुझे बात करनी है, गाड़ी रोको रागिनी, रागिनी रागिनी गाड़ी रोको। रागिनी प्लीज। रागिनी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, चाहे तो तुम मुझे और मार लो लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे सिवा कुछ नहीं है, आज के बाद वही करूंगा जो तुम चाहोगी, आंख बंद करके जीऊंगा, ओट सेकर हाथ जोड़कर रहूंगा, अपना घर अपने बच्चे अपना सुख इसके सिवा और कुछ नहीं सोचूंगा, अपने बच्चों को वो सभी कुछ देंगे जो हमें नहीं मिला, उसके लिए घूस खाऊंगा, बेईमानी करूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना, कोई किसी का खून कर रहा है चुप रहूंगा, कोई किसी का बलात्कार कर रहा है आंखें बंद कर लूंगा, दुनियादारी निभाऊंगा, जमाने के साथ बदलूंगा, किसी पर हाथ पर चाहिए, सांप का फोटो छुपा है। ओह शिट, एक और इस फोकट में लड़ना पड़ेगा, फिलहाल तो चलो यहां से। बहुत खतरनाक आदमी है पर अपना दोस्त है।